नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र। आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुक करते हैं अब खबरों की ओर। मेरा नाम खुशबू चंदानी है। मैं अजमेर राजस्थान से आई हूँ और हम सिर्फ आज ही नहीं आए हैं, हम कई सालों से आ रहे हैं और बापूजी की रिहाई की मांग लेकर हम रैलियां निकाल रहे हैं और हजारों लाखों महिलाएं मेरी जैसी बापूजी की रिहाई की मांग कर रही हैं, बट हमें आज तक न्याय नहीं मिल रहा है। और आप देख रहे हैं आज 47 डिग्री का जो टेम्परेचर है उसमें कहीं लोग रूम से बाहर नहीं निकलते, बट आज भी हम बापूजी के लिए आए हैं क्योंकि बापूजी वास्तव में निर्दोष है। और इस उम्र में 47 डिग्री जो टेम्परेचर चल रहा है, जिसको जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है, उसमें बुजुर्ग संत को, मतलब उनकी उम्र का तो लिहाज कीजिए, उनको कोरोना हो गया था बीच में, फिर उन्हें प्रोस्टेट की बीमारी, उन्हें कितनी कितनी बीमारियां, अभी उन्हें हार्ट में ब्लॉकेज है, ना तो उन्हें एक दिन की पैरोल दी जा रही है ना ही उन्हें बेल दी जा रही है, जबकि वो पूर्णतः निर्दोष है। और आज अगर आप एक लड़की की बात सुन रहे हैं, मैं भी तो लड़की हूँ, मेरे जैसी हजारों लाखों महिलाएं कह रही है कि बाबूजी निर्दोष है, तो हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? तो मेरी बस न्यायपालिका से यही प्रार्थना है कि हमारे बाबूजी को सम्मानित रिहा कीजिए। और आप जानते हो कि विष्णु तिवारी का केस यूपी का, उसने 20 साल वो जेल में था, उसके बाद वो निर्दोष बरी हुआ, तो कौन लौटाएगा उसके 20 साल? आज हमारे बापूजी निर्दोष है तो उनको उनके 11 साल कौन लौटाएगा? जितना पहले भारत का जो जितने व्यसन बापूजी रोके थे, जितने लोगों का धर्मांतरण बापू ने रोका था, आज बापूजी के जेल जाने के बाद संस्कृति की हानि हो रही है। तो मेरा यही कहना है, अगर अपनी संस्कृति की हानि बचानी है, देश की हानि बचानी है, तो हिंदू संतों को रिहा करो, क्योंकि आज हिंदू संत ही भारत की नींव है। पहले जितना स्मोकिंग नहीं होती थी अब उतनी हो रही है, पहले जितने क्लब्स नहीं थे आज उतने हैं, पहले जितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं थे आज है, पहले जितना भारत का पतन नहीं था आज हो रहा है, पहले धर्मांतरण नहीं था आज हो रहा है, आजकल हर गली गली मोहल्ले में हिंदू धर्मांतरण हो रहा है, ये जो आप बता रहे हो इस सब का दोषा किसे मान दो? आसाराम जी अंदर बैठे इसलिए सब हो रहा है? हाँ, क्योंकि हिंदू संत ही नहीं है। जब बापू जी बाहर थे, मैं नॉनवेज खाती थी, मेरे पिताजी व्यसन करते थे, मेरा भाई अफ्रीका में रहकर बियर दारू नॉनवेज सब करता था, पर आज मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है, मैं आज यंग गर्ल हूँ, मेरे को पूरी फ्रीडम है, मैं कहीं पर भी जा सकती हूँ, पर मैं यहाँ क्यों आ रही हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ सच्चा सुकून मिलता है। और सिर्फ मैं नहीं आ रही हूँ, मेरे जैसे हजारों लाखों महिलाएं बापू जी को मानती है, वो यही मांग कर रही है कि बापू जी निर्दोष है और बापू जी को आज हम मैं अजमेर से आई हूँ, राजस्थान से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, आगरा से आए हैं, मुंबई से आए, हरियाणा से आए, पंजाब से लोग आए, और सब यही मांग कर रहे हैं कि बापूजी निर्दोष है, बापूजी को रिहा करो। और मैं तो ये कह रही हूँ, आप एक लड़की की बात सुन रहे हैं, इधर हजारों लाखों महिलाएं कह रही हैं उनके बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? हम भी तो महिलाएं हैं, हमें भी तो हमारा अधिकार है, और बस हमें हमारे मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है कि हमारे बापूजी से सम्मानित रिहा होंगे। मैं खुशबू चंदानी अजमेर राजा।